चंद पैसों के लिए पत्नी की इज्जत बेचने की कोशिश। पीड़िता ने हैवान पति से भागकर बचाई जान। पीड़िता और परिजनों ने पुलिस आरक्षी अधीक्षक से लगाई गुहार। महिला पुलिस पर घूस मांगने का लगाया आरोप। किस्मत की मारी इस अभागन की दर्दे दास्तां सुनिए। चार साल पहले इसकी शादी आबादपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के सनोवर से हुई थी, लेकिन महज 5,000 के कर्ज के कारण वो अपनी पत्नी की आबरू का सौदागर बन गया। कई बार उसने छोटी मोटी रकम के लिए अपनी पत्नी को जिस्म फरोसी के बाजार में धकेलने की कोशिश की। विरोध करने पर पीड़िता की जमकर पिटाई भी की। फिलहाल उसने अपने पापी पति से भागकर मायके में शरण ली है, जहां से परिजनों के साथ वो आरक्षी अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाने आई है। कब हुआ शादी? 4 साल। लड़का क्या करता है? लड़का छीन छोर करता है, डकैती करता है, दारू पीता भी है। शादी के समय पता नहीं था? नहीं नहीं सर, नहीं पता है। अब क्या बोलता है लड़का, क्या करने बोलता है? लड़का हमको कहता है क्या कि तुम हम एक ठो लड़का आया ना था, तो वो लोग कहता है कि तुम जाओ इस आते रहना, तुमको रहना पड़ेगा। तो हमको हम कहा हम रहेंगे साथ इसको, तो रहने पड़ेगा। हम 5,000 इसका साथ हमको लिया है, इसका साथ एक रात रहने पड़ेगा, जो हम कहते हैं वही सुनिएगा तुम लोग। बड़ी बात यह है कि पीड़िता अपने परिजनों के साथ इस मामले में पहले भी महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने जा चुकी है, लेकिन मामला दर्ज करने के एवज में उससे 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी। ऐसा आरोप पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस आरक्षी के सामने महिला थाने की पुलिस पर लगाया है। इस लड़की को हम शादी दिलाए थे लड़का के साथ, वो यहाँ से ले जा करके मतलब वो कोई लड़का के साथ संभव करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि हम उससे 5,000 रुपया लिए हैं, तुम उसके साथ जाओ, मेरा टाका मतलब सच जाएगा, निम जाएगा, तो नहीं जाने पर तुमको मारेंगे, घर से निकाल लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती अपना जान बचा करके भाग करके आया मेरे घर आया। मेरे जी अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मतलब केस करेंगे। हालांकि महिला थाना प्रभारी ने घूस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन फिलहाल आरक्षी अधीक्षक की पहल पर मामला दर्ज करते हुए जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही है। ये जो आरोप है बिल्कुल ही बेबुनियाद है, सरासर ही गलत आरोप है। उससे किस हमारे महिला थाना में किसी से भी किसी इस तरह का पैसा का डिमांड नहीं किया जाता है, पहली बात है। दूसरी बात कि कोई भी फरियादी अगर हमारे थाने में आता है तो उस पर तुरंत और जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। और उस महिला का अभी आवेदन दी थी, उस पर भी कांड दर्ज कर लिया गया। अगर वो आकर के कल आई थी शाम के करीब 7 बजे करीब आई थी, और आज सुबह जनता दरबार में आकर के ये गलत आरोप लगाई है, उसका कांड दर्ज कर लिया गया। महिलाओं के प्रति सजग समाज और प्रशासनिक महकमे के दावे कितने खोखले हैं, इस घटना से साफ हो जाता है। एक तरफ वो नालायक पति जो चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी की आबरू का सौदागर बन बैठा, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक महकमे के वो जिम्मेदार महिला पुलिस पदाधिकारी जो ऐसे मामला दर्ज करने के लिए भी 10,000 की घूस की डिमांड करते हैं। ऐसे में पीड़ित आखिर जाए तो जाए कहां? गुनाह के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।